हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। आज हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वुंड की फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे, वो है लॉस एंड ट्रॉमा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे शरीर की कोई टूटी हुई हड्डी जिसका टाइमली और प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना हो तो बॉडी में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है। इसी तरह यदि लॉस और ट्रॉमा का फर्स्ट एड ना किया जाए, प्रॉपर और टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये वुंड पूरी लाइफ तकलीफ देता है। हम शुरू करें उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। हद से ज़्यादा स्ट्रेस, हद से ज़्यादा परेशानी जिसे कोप करने की एबिलिटी नहीं है हमारे, इस सिचुएशन को कहते हैं ट्रॉमा। हम में से कई लोगों ने लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे किसी लव्ड वन की डेथ, किसी दिल के बहुत करीब रिश्ते का टूटना या फिर प्यार में धोखा। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 50% से ज़्यादा अडल्ट्स ने लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी तरह का ट्रॉमा ज़रूर एक्सपीरियंस किया है। क्या आप हैं इस 50% में? Trauma is not only about life and death. Like accident or natural disasters के अलावा जो कुछ भी हम रोज़मर्रा की न्यूज़ में सुनते हैं या पढ़ते हैं, like violence, rape, bullying, assault, threat, theft, robbery, physical or mental abuse, ये सब भी कारण हो सकते हैं trauma के। किसी भी traumatic event के बाद life को फिर से track पर लाने के लिए recovery और बहुत सारे रीएडजस्टमेंट्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हड्डी टूटने के बाद सबसे पहले उसे रीलोकेट करके सेट करना और फिर जुड़ने के बाद फिजियोथेरेपी, बिल्कुल इसी तरह ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद हमारी रिकवरी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी लाइफ के पीसेस को किस तरह से रीलोकेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं और कैसे बाद में थेरेपी करते हैं। हर इंडिविजुअल की एबिलिटी अलग है टू हैंडल स्ट्रेस एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनका मेंटल मेकअप अलग है। किसी के लिए एक गहरी दोस्ती टूटना सिर्फ एक बैड डे इन लाइफ हो सकता है, लेकिन जिसका सिर्फ वही एक दोस्त था उसके लिए मोस्ट पेनफुल, मोस्ट स्ट्रेसफुल, मोस्ट डिस्टर्बिंग एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद इमोशनल वेलबींग फिर से अचीव करना ऐसे ही कई वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से कुछ हमारे कंट्रोल में हैं तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ इवेंट्स, इंसिडेंट्स इतने गहरे घाव छोड़ते हैं कि उनसे बचने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स और थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आता है हमारा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में हम गहरे और पुराने वुंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट एड की। अनहील ट्रॉमा हमारी लाइफ और मेंटल वेलबींग दोनों को इम्पैक्ट करता है और अनफॉर्चुनेटली ये खुद ब खुद ठीक नहीं होता। इसीलिए हर ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद फर्स्ट एड बहुत बहुत ज़रूरी है, और फर्स्ट एड करने के लिए ये समझना, इस बारे में कॉन्शियस होना ज़रूरी है कि ट्रॉमा किस तरह आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। यूजुअली ट्रॉमा के बाद के शुरुआती दिन पैरालिटिक होते हैं, लोगों की पूरी लाइफ इंटरप्ट हो जाती है, लाइफ रीस्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट लगता है, इवन बेसिक सेल्फ केयर लाइक ईटिंग, बेथिंग मुश्किल लगता है एज इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी फिजिकल अब्यूज़ के बाद फर्स्ट नाइट अलोन, पहली बार अकेले घर से बाहर जाना, किसी लव्ड वन से अलग होने के बाद, उसकी डेथ के बाद, उसके बिना फर्स्ट मील, पहला त्यौहार, बार बार वो सब यादें, इट्स वेरी पेनफुल। लॉस एंड ट्रॉमा के कारण लोगों की लाइफ की रियलिटीज़ बदल जाती हैं डिपेंडिंग ऑन दी सीवियरिटी। लोगों की आइडेंटिटीज़ और लाइफ के नरेटिव्स बदल जाते हैं। टू बी प्रिसाइज, आइडेंटिटी इज़ इंटरप्टेड। खुद को फिर से डिफाइन करना और अपनी नई पहचान बनाना एक बहुत मुश्किल चैलेंज सामने आ जाता है। इमेजिन कीजिए हम अपने जॉब से जाने जाते हैं और वो जॉब छिन जाए, कोई अपने कपलहुड से जाना जाता है, पहचाना जाता है,
और दोनों में से एक साथी साथ छोड़ जाए। किसी की आइडेंटिटी ही है उसका सुंदर शरीर, और एक्सीडेंट में शरीर का कोई हिस्सा ना रहे। ऐसी किसी भी सिचुएशन में लोगों को फिर से ये खोजना पड़ता है कि वो कौन है, खुद को रीडिस्कवर करना पड़ता है। लाइफ में नए मीनिंगफुल एवेन्यूज खोजना इस समय बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना कर पाने में लाइफ में खालीपन लगता है और वो लगातार बढ़ता जाता है। लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं, सेल्फ लोदिंग करने लगते हैं और इस भंवर में फंस जाते हैं। सेंस ऑफ सेल्फ कम होता चला जाता है। कभी लोगों के बिलीफ सिस्टम्स इंटरप्ट हो जाते हैं। हम सब अपने बिलीफ सिस्टम के लेंस से दुनिया को देखते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी लाइफ को पर्पस और मीनिंग देता है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, तो कोई मानता है जो बोगे वही काटोगे, कोई कहता है कि जो होता है किसी ना किसी कारण से होता है और सब अच्छे के लिए होता है, तो कोई कहता है जो कुछ भी होता है इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस सब सिर्फ घट रहा है। हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो, लॉस एंड ट्रॉमा उसे चैलेंज कर सकता है। हम बार बार कोशिश करते हैं उसी लेंस से देखने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जो भी होता है वो भले के लिए होता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या भला है, ईश्वर ने मेरे साथ ये क्यों किया। किसी लव्ड वन की डेथ के बाद लोगों की रिलेशनशिप्स इंटरप्ट हो जाती हैं। उन लोगों के साथ जो अभी भी हैं वो उन्हीं पुरानी यादों में खोए रहते हैं, जो चले गए हैं उसी के बारे में ऑब्सेस करते रहते हैं, मन ही मन उनसे बात करते हैं, उनके थॉट्स और उनके रिएक्शंस को इमेजिन करते हैं और उन्हें अपने थॉट्स और रिएक्शंस समझने लगते हैं। वैसे तो समय के साथ ज़्यादातर लोग जिसे खो दिया है उसे फाइनली जाने देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अटक जाते हैं। जो चले गए हैं खुद को उनमें इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ उनके जो अभी भी साथ हैं। इन चारों इंटरप्शंस को ख़त्म करने के लिए टाइमली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बट रिमेंबर दीज आर ओनली फर्स्ट एड्स। ट्रीटमेंट नंबर वन, सूद योर पेन योर वे। कहते हैं दुख कह देने से कम होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कह देना ही बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। वो भी कह पाएंगे लेकिन तब जब उनका दर्द कम होगा। अपना दर्द अपनी तरह से हल्का करें। यदि आप अपने दर्द को बांटना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो बात करें। और अगर आप अभी तैयार नहीं हैं अपना दर्द बांटने के लिए तो अपना टाइम लें, पेन कम हो जाने दें, उसके बाद इस बारे में बात करें। मतलब ये है कि ना तो अपनी फीलिंग्स और ना दर्द सप्रेस करें और ना ही खुद को फोर्स करें टू एक्सप्रेस। दर्द बांटने का ना तो कोई सही समय है और ना ही तरीका, इसीलिए अपनी फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स हों, जो फीलिंग्स डिक्टेट कर रही हैं वही कीजिए। हम इमीडिएटली अपना दर्द कम करने के लिए चाहे जो भी तरीका चूज़ करें, सबसे कारगर ट्रीटमेंट होता है लॉस या ट्रॉमा कम होने का, टाइम। ये ट्रीटमेंट नंबर वन इंसिडेंट के तुरंत बाद लेना एडवाइजेबल है। एक बार जब आप रोज़मर्रा की लाइफ में नॉर्मलाइज हो गए हैं तब लीजिए ट्रीटमेंट नंबर टू एंड रीडिस्कवर योरसेल्फ। अब अपनी लाइफ के खो गए एस्पेक्ट्स को ढूंढिए। लोग अवॉइड करने लगते हैं लोगों को, जगहों को, एक्टिविटीज़ को जिन्हें वो उस जाने वाले के साथ एसोसिएट करते हैं। फिर चाहे वो उनकी खुद की पर्सनालिटी का भी बहुत अहम हिस्सा क्यों ना हो, खुद का सेल्फ रीडिस्कवर कीजिए। और ये करने के लिए अगर आप कंफर्टेबल हों तो ये एक एक्सरसाइज है, वो करके देखें। एक्सरसाइज का स्टेप नंबर वन, लिस्ट कीजिए कम से कम 10 आपकी वो क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज़ जिन्हें इस घटना से पहले आप और दूसरे वैल्यू करते थे। स्टेप नंबर टू, इनमें से ऐसा क्या है जो आप कंपैरेटिवली पहले से कम एक्सप्रेस कर रहे हैं या पहले से ज़्यादा उससे डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कीजिए।
स्टेप नंबर 3 में लिखिए कि आप क्यों डिसकनेक्टेड हैं। स्टेप नंबर 4 में उन एक्टिविटीज़, उन लोगों के नाम लिखिए जो आपको वापस कनेक्ट कर सकती हैं स्टेप नंबर 1 में लिस्टेड बातों से, चीज़ों से, क्वालिटीज से या कैरेक्टर्स से। स्टेप नंबर 5 में इन्हें रैंक कीजिए, मतलब फर्स्ट इज़ इमोशनली आसान एंड डूएबल। लास्ट स्टेप में रैंक के अकॉर्डिंग खुद के लिए गोल सेट कीजिए कि आप कब तक कंफर्टेबली ये कर पाएंगे। इन गोल्स को अचीव करने में शुरू में थोड़ा सा इमोशनल डिस्कम्फर्ट ज़रूर होगा, लेकिन आप खुद को डिस्कवर, रीडिस्कवर ज़रूर कर लेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हों तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। ट्रीटमेंट नंबर 3 है फाइंड मीनिंग इन ट्रेजिडी। ट्रेजिडी में मीनिंग ढूंढने के लिए खुद से 2 क्वेश्चंस कीजिए। पहला क्वेश्चन है वाई, और दूसरा है ये नहीं होता तो क्या हो सकता था, और बुरा क्या हो सकता था। जस्ट टू साइट एन एग्जाम्पल, अज्यूम रमेश डाइड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड रमेश डाई। आंसर, रमेश डाइड इन अ कार क्रैश। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ही वॉज नॉट डेड देन। आंसर, रमेश का कार क्रैश बहुत बुरा था, वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि यदि जिंदा बच भी गया तो शायद कभी चल ना पाए। इन सवालों के बाद खुद को समय दीजिए और अपने थॉट्स को और पर्सपेक्टिव्स में हुए चेंजेस को समझिए। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, लेकिन याद रखिए ये ट्रीटमेंट तभी किया जाना चाहिए जब आप इमोशनली बिल्कुल तैयार हों और इस ट्रीटमेंट से होने वाले डिस्कम्फर्ट और पेन को झेलने के लिए केपेबल हों। याद रखिए कि ये तीनों फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यदि आप फर्स्ट ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाए तो सेकेंड पर कतई जंप ना करें। और हाँ, अगर आप ये सब ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं, तीनों ट्रीटमेंट्स कर चुके हैं और सब्सटैंशियल टाइम भी बीत चुका है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाई है और लॉस एंड ट्रॉमा का दर्द आप फील करते हैं वो कम नहीं हुआ है, तो ट्रेन प्रोफेशनल्स की सलाह ज़रूर लीजिए। इसके अलावा यदि आप बहुत सिग्निफिकेंट ट्रॉमा या लॉस से गुजरे हैं जो आपकी लाइफ को एक्सट्रीमली इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, आपको नाइटमेयर्स या फ्लैशबैक्स आते हैं, या फिर आप इमोशनल नमनेस या एजिटेटेड फील कर रहे हैं, तो भी फर्स्ट एड को स्किप कीजिए और ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। इसके अलावा यदि आपको खुद को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते हैं, या फिर आपने कभी ऐसी कोशिश की है, तब भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की मदद लें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आपके आसपास यदि कोई लॉस या ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए। उसका दर्द तो कम हो ही जाएगा, उसके दर्द कम करने में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।